हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर का, जो कि 28 जुलाई 2013 को हुआ था। और फ्रेंड्स, ये हमारा जूनियर लेवल का पेपर है और इस पेपर से हिंदी पोर्शन से जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी 30 क्वेश्चन के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको स्वयं से इन सभी 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ना एकदम आसान है, सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करते हैं, सेम टाइम एक घंटे का निशान बन के भी आएगा, उसको भी आपको प्रेस करना है। सो दैट फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले और बिना किसी सर्च के। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है वो एक गद्यांश के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ दिया गया है पेपर में, जब भी आप पैराग्राफ का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले मेरी ये एडवाइस है कि आप उस पैराग्राफ को जल्दी से जल्दी एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पैराग्राफ को एक बार जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अणि भणियों शिक्षित हूँ। इसका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान ले कि कौन कौन बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानें कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुसुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया है। अभी 1 by 1 इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखेंगे, बच्चों को जानकारी देना, तो ये तो हमने पैराग्राफ में नहीं पढ़ा है। बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, ये भी नहीं है। बच्चों को शक्तिशाली बनाना, ये भी पैराग्राफ के अंतर्गत नहीं है। तो फ्रेंड्स, लास्ट का जो ऑप्शन बचता है वो दिया है बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, यानी कि उनको पहचानना कि क्या क्या शक्तियाँ बच्चों के अंदर छुपी हुई है। तो ये हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेखक के अनुसार, तो लेखक के अनुसार क्या है फ्रेंड्स? सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये भी हमारे पैराग्राफ में नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। यस, ये हमने पढ़ा है कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, सभी बच्चों की शक्तियां सुषुप्त अवस्था में रहती है। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेखक के अनुसार सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती हैं, जो कि वह प्रतिभा बच्चा जन्म से लेकर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी होता है सबसे पहले शिक्षा देने के लिए बच्चों को? तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी को मैं डायरेक्ट राइट आंसर की ओर अप्रोच करना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है सभी ऑप्शंस को पढ़ने से। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, यानी कि यदि बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि बच्चों की जो समस्त क्षमताएँ हैं, उनकी जो प्रतिभाएँ हैं,
उसको जानने के लिए हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो कौन सा सिद्धांत निहित है गद्यांश में? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर लास्ट के ऑप्शन को देख रहे हैं, तो लास्ट के ऑप्शन में दिया है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। ये चीज़ हमने फ्रेंड्स गद्यांश में भी इस सेंटेंस को हमने पढ़ा था कि पढ़े लिखे लोग क्या है, अनपढ़ होते हैं, ऐसा लेखक का मानना था। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, यानी कि कौन सा कर्ता हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है वाक्य में पहचाने क्रिया का जो कर्ता है कि उसमें क्या होगा, हम होगा, यानी कि हम ये पहचाने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है वाक्य है, यानी कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है वाक्य है, कैसा वाक्य है, विधानवाचक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या फिर संदेहवाचक है। तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी में दिया है प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी लगा है और इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर बाद बनेगा, यानी कि के बाद शब्द बनेगा। तो शरीर में यदि हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो उसके बाद बनने वाला शब्द क्या होगा वो हमें बताना है। तो सेवन नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है आपका देखेंगे शारीरिक, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसमें वर्तनी भी देखनी है कि कौन सी वर्तनी के अनुसार हमारा जो वर्ड है, हमारा जो शब्द है वो सही है। तो ये है शारीरिक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों क्या है, यानी कि दोनों में क्या अंतर है तो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। तो दोनों में क्या होता है, मूलभूत अंतर होता है। लेखक के अनुसार फ्रेंड्स शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में मूलभूत अंतर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षित होने का जो मतलब होता है वो होता है मात्र पढ़ना लिखना तक आना नहीं होता, बल्कि फ्रेंड्स इसमें जीवन को जीने के लिए आवश्यक ज्ञान का निर्माण करने से भी होता है। जबकि फ्रेंड्स जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनका अर्थ होता है कि उनका जो मतलब होता है, उनका जो आशय होता है वो होता है पढ़ना लिखना जानना। ओनली केवल यदि पढ़ना लिखना जानना है तो उनको हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि वे लोग क्या है, साक्षर हैं। और यदि शिक्षित हैं तो शिक्षित होने का मतलब होता है कि पढ़ना लिखना जानने के अतिरिक्त फ्रेंड्स जीवन में जीने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उसका निर्माण करने से होता है। तो दोनों में हमारा मूलभूत अंतर होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो पढ़ा लिखा होने से क्या मतलब है, क्या उसका आशय है, क्या उसका तात्पर्य है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी को पढ़ा लिखा होने से मतलब है, अभी मैंने ऊपर ही बताया है साक्षर होने से, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे जो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हैं वो फ्रेंड्स एक जो हमें जो पंक्तियां दी गई हैं, यानी कि एक पद की पंक्तियां दी गई हैं उसके ऊपर आपके बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले इस जो हमें पंक्तियां दी गई हैं कविता की उसको हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं। दम्ब का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो फ्रेंड्स ये हमारी बहुत ही सुंदर पंक्तियां इसमें दी गई है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। गिरे विचार से तात्पर्य है, तो गिरे विचार से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं और आप पैराग्राफ की जो लाइन है बी लाइन को भी देख रहे हैं, तो इस तरह से इसका जो मतलब है सत्य और हित से परे विचार, सत्य से जहां जहां दुराव था, तो इसका मतलब ही यह है कि सत्य से हित से परे विचार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, क्योंकि वह, तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे और बी में दिया है
सुराज स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? सुराज। तो सुराज लिखा हुआ है, स्वराज होता है वैसे, पर सुराज मतलब अच्छा राज्य स्थापित करना चाहता था। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराव शब्द से तात्पर्य है। तो दुराव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दुराव का मतलब होता है कि तात्पर्य होता है बैर या दुश्मनी से, यानी कि किसी के साथ हम दुश्मनी रखना या किसी से हम बैर रखने से मतलब होता है दुराव का मतलब। और क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कवि ने जो दुराव का जो प्रयोग किया है वो सत्य के लिए किया है, यानी कि ट्रुथ के लिए किया है। वह बताता है कि सत्य की रक्षा के लिए जो नौजवान है, जो नौजवान सैनिक है, वो किस तरह से लोगों से दुश्मनी करता है, यानी कि किस तरह से लोगों के साथ में दुश्मनी करता है जिससे कि वह सत्य की रक्षा कर सके। तो इसमें फ्रेंड्स होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, बैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जहां शब्द है, जहां जहां शब्द का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें जहां जहां जो शब्द है इसका मतलब होता है पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द युग्म यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। तो जहां जहां शब्द है वो पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण होता है। एकार्थी शब्द युग्म जिनमें शब्दों के अर्थ समानता हो उसे हम एकार्थी कहते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और जबकि विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हो उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप का विलोम शब्द है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो पाप का विलोम शब्द है तो पाप का होता है फ्रेंड्स पुण्य, ये सभी आपको पता होगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? तो फ्रेंड्स यदि हम कविता में कविता को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि नौजवान शब्द ने किसे नष्ट किया, तो किसे नष्ट किया? तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर आपका है फ्रेंड्स, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया। तो आप देखेंगे लास्ट का ऑप्शन एकदम अहंकार और सत्य को। तो जैसा कि आप देखेंगे फ्रेंड्स पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि इसमें दिया गया है पाप की आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो यहां पर जो इससे आशय निकलता है तो वो निकलता है कि अहंकार और असत्य को उसने क्या किया, नष्ट किया, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, यानी कि क्या जरूरी होता है यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ी जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे लास्ट का जैसा कि ऑप्शन को आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो फ्रेंड्स इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी होता है कि बच्चे अपने अनुभव यानी कि अपने जो एक्सपीरियंस है वो संसार से जोड़ सके। यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो यह माना जाता है कि उनकी जो लर्निंग है वो बढ़ रही है, यानी कि उनका जो अधिगम है उसका विकास हो रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो फ्रेंड्स यहां पर आप इसका राइट आंसर देखेंगे जैसा कि आप ऑप्शन नंबर ए को देख रहे हैं, और ए में दिया है फ्रेंड्स बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। तो मतलब बच्चे जो हैं वो अपनी भाषा में बोलते हैं और जिससे क्या होता है कि बड़े बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भाषा की कक्षा में कहानियाँ, यानी कि भाषा की जो कक्षा है उसमें कहानियाँ क्या होती हैं, यानी कि किस रूप में होती हैं? तो फ्रेंड्स भाषा की कक्षा में जो कहानियाँ होती है वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं की संरचना, उनके चिंतन यानी कि उनके डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, और कहानियाँ हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषा की जो स्ट्रक्चर है उसका भी डेवलपमेंट कराती है। और फ्रेंड्स इनके माध्यम से ही हम हमारा जो अमूर्त चिंतन होता है उस शक्ति का हम विकास कर पाते हैं। तो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी। और सी में क्या दिया है, विभिन्न प्रकार की भाषीय संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2015
2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे इसमें राइट आंसर, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं, और बी में क्या दिया है फ्रेंड्स, हमारे बी में दिया है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य भाषाओं की कक्षा में भी मौजूद रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो हमारे लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उनके संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर लास्ट के ऑप्शन को देख रहे हैं, कि जो भाषा कौशल होते हैं यानी कि जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वे क्या होते हैं, वे एक दूसरे के साथ क्या है, अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है, क्या मुख्य उद्देश्य होता है, क्या मेन पर्पज होता है। तो 21 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, और बी में दिया है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाष्य संरचना से परिचित होने का अवसर देना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, यानी कि ऐसा करने से रश्मि क्या पर्पज को सिद्ध करना चाहती है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, और बी में जो दिया है फ्रेंड्स, बी में दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का जो मेन पर्पज होता है वो होता है फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाष्य संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, यानी कि चांस देना। तो राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए भाषा में यदि आकलन किया जाए। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ए ऑप्शन को, और ए ऑप्शन में दिया है कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा का यदि हमें आकलन करना है तो आकलन करने के बाद सबसे पहले हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सोपान आकलन से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके आधार पर हम बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करें। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या उत्पन्न करता है या किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है वो दिया है कि बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का जो शिक्षण है वो बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का क्या करता है, प्रसार करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, विधि में जो भाषा की अर्जन की जो स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, और फ्रेंड्स ये मूल रूप से मातृभाषा से ही ये भाषा सीखने की विधि है, यानी कि आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स 26 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, तो रचनात्मक आकलन का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर ए को देख रहे हैं, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यानी कि बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, तो ये सबसे अच्छा क्या होता है, रचनात्मक आकलन का तरीका, यानी एक मेथोडोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, यानी कि कौन से प्रश्न को आप सबसे अधिक उचित मानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर डी को यानी कि लास्ट के ऑप्शन को देख रहे हैं, वो लास्ट के ऑप्शन में दिया है, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी यानी कि आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो ये जो है, ये इसका यानी कि मोस्ट सुटेबल आंसर है, जो कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप प्रश्न को सबसे ज्यादा ठीक तरह से मानते हैं। तो राइट आंसर हुआ उसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जो लैंग्वेज के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं चॉम्स्की, तो उनके अनुसार जो बच्चे हैं यानी कि भाषा सीखते हैं, यानी कि किसके कारण भाषा सीखते हैं वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की जो क्षमता है, भाषा अर्जन की क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यानी कि आपका देखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भाषा अर्जन के कारण बच्चे क्या है, भाषा सीखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या चीज अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है भाषा शिक्षण में? तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य होता है वो होता है फ्रेंड्स समग्रतावादी दृष्टिकोण। और समग्रतावादी दृष्टिकोण का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, वो होता है समग्र विकास से। और शिक्षण में बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होता है तो उसे हम समग्रतावादी दृष्टिकोण बोलते हैं। तो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय यानी कि क्या करना चाहिए यदि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करना है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या लिमिटेशंस है, उन सभी का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का यदि आकलन करते हैं तो उस समय हमें उनकी क्षमता, उनकी सीमाएं यानी कि उनकी लिमिटेशंस का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें जो कुंठा की जो भावना जो उत्पन्न होती है वह नहीं होगी, यानी कि भावना नहीं व्याप्त होगी। और फ्रेंड्स, वे क्या होंगे, उस चीज़ को सीखने के लिए क्या होंगे, इनकरेज भी होंगे, यानी कि प्रेरित भी होंगे। तो इसका राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर आपका सी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस जो कि आपके 28 जुलाई 2013 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का जूनियर लेवल का, और उसमें हिंदी पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यदि आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्योंकि हम डेली बेसिस पर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर भी वीडियो का लिंक शेयर करते हैं और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर इम्पोर्टेंट पोस्ट भी डालते हैं। तो इसलिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक जो कि इंस्टाग्राम की लिंक है, उसे प्रेस करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।